हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अंकिता दातीर और आज के इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजट 2020 के बारे में, जो कि अभी अभी रिप्रेजेंट किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो इसके अंदर जो है इनकम टैक्स के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने का प्रपोजल रखा गया है, जो कि इनकम टैक्स स्लैब से रिलेटेड है और ये स्लैब जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर ये फाइनेंस बिल जो है पास हो जाता है तो इसमें जो है सबसे बड़ा बदलाव जो है इंडिविजुअल लेवल के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या है ये बेनिफिट, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम विद एग्जांपल इसे डिस्कस करेंगे नए इनकम टैक्स स्लैब को। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। साथ में आप सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पे ऐसे वीडियोस की मैं पीपीटी और पीडीएफ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या नया इनकम टैक्स स्लैब आया है और कौन से पर्सन्स के लिए ये एप्लीकेबल होने वाला है। बात करते हैं फाइनेंस बिल की और फाइनेंस बिल के सेक्शन 115BAC की, जो कि अभी फाइनेंस बिल 2020 से इंट्रोड्यूस किया गया है और जो कि इफेक्टिव होगा यहाँ पे 2020-21 असेसमेंट ईयर से। तो इसके अंदर क्या लिखा गया है, क्या ये जो रिलैक्स्ड कंसेशनल जो इनकम टैक्स स्लैब है सभी पर्संस के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर लिखा गया है सेक्शन 115BAC क्या कहता है, उसका सबसेक्शन 1 बोलता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। यानी कि ये एक अलग से चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, एक अलग से सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, इनकम टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन जो रिलैक्स्ड स्लैब है इनकम टैक्स का, वो इंडिविजुअल और HUF को ही मिलेगा यहां पे, और किसी पर्सन की इस सेक्शन के लिए और इस स्लैब के जो कंसेशनल स्लैब के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होगी। तो इसमें आगे बोलता है, फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर बिगनिंग ऑन और बिफोर ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020-21। यानी कि प्रीवियस ईयर हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21, इसके अंदर अगर आप जो इनकम जो कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है वो आप फुलफिल करते हैं तो आपका इनकम टैक्स जो है वो इस टेबल के अंदर जो रेट्स दी गई है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूट होगा। तो इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले अगर आपकी इनकम है अप टू 2,50,000 तो आपको देना होगा नील टैक्स रेट। फिर सेकंड के अंदर बताया गया 2,50,000 से 5,00,000 तक की इनकम है तो 5% का इनकम टैक्स, 5,00,000 से 7,50,000 तक की इनकम है तो 10% का टैक्स। उसके बाद है 7,50,000 से 10,00,000 की इनकम है तो आपको 15% का टैक्स देना है, 10,00,000 से 12,50,000 तक है तो आपको यहाँ पे 20% का टैक्स देना है, 12,50,000 से 15 तक है तो आपको 25% का टैक्स देना है, और 15,00,000 से ऊपर होने पे आपको यहाँ पे 30% का टैक्स देना है। जिसके अंदर अगर हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसके अंदर आपको 2,50,000 तक जो इनकम था उस पर आपको किसी भी तरह की इनकम पे टैक्स नहीं देना होता था। 2,50,000 से 5,00,000 तक की इनकम पे आपको 87A की छूट मिल जाती थी, जिसके अंदर आपको 5% का टैक्स में टैक्स रिबेट मिल जाती थी। तो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि 5,00,000 तक की इनकम वालों को कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना होता था। अब यहाँ पे जो चेंज आया है फाइनेंस बिल 2020 से, वो आया है यहाँ इसके बाद के स्लैब के लिए, क्योंकि 5,00,000 से 10,00,000 तक की इनकम के लिए पहले जो स्लैब था वो था आपका 20%, यानी कि आपको यहाँ पे 20% का टैक्स देना होता था। लेकिन अब जो ये 20% का टैक्स अब आपका रिड्यूस होके अगर आप इस सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं तो आपको 10% का देना होगा 7,50,000 तक की इनकम पे, और 15% देना होगा अगर आपकी 10,00,000 की इनकम है तो। उसके बाद यहाँ पे
10 लाख से लेके और 10 लाख से ऊपर तक की इनकम के लिए यहाँ पे सारा का सारा टैक्स रेट जो टैक्स स्लैब था वो 30% था, लेकिन अब इसे जो है रिड्यूस करके 3 फेज के अंदर मान लिया गया है, कर दिया गया है, जिसके अंदर किया गया है 10 लाख से 12 लाख, 12.5 लाख की इनकम तक आपको किसी भी तरह का जो 30% का टैक्स है वो यहाँ पे नहीं देना होगा। आपकी रेट ऑफ टैक्स रहेगी 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक आपकी टैक्स रेट रहेगी 25%, और 15 लाख से ऊपर होने पे आपको 30% का टैक्स यहाँ पे देना होगा। लेकिन क्या ये कंसेशनल रेट वाकई में सभी इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या कंडीशंस इसमें, तो वो हमें यहाँ पे देखनी होगी। इसके अंदर लिखा गया प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन फेल्स टू सेटिस्फाई द कंडीशंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2। तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आप इन कंसेशनल रेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो कंडीशन जो है वो सबसेक्शन 2 के अंदर नोटिफाइड है, इन एनी प्रीवियस ईयर द ऑप्शन शैल बिकेम इनवैलिड इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर एंड अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई एज इफ द ऑप्शन हैज नॉट बीन एक्सरसाइज फॉर द असेसमेंट है। प्रोविजंस के बारे में जो प्रोविजो यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं, साथ में जो कंडीशंस इन सेक्शन इस सेक्शन को अवेल करने के लिए लगाई गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि फर्स्ट प्रोविजो आपका बोलता है कि अगर आप जो कंडीशन मेंशन है सबसेक्शन 2 के अंदर अगर उनको सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो उस असेसमेंट ईयर के लिए, उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए आप इस ऑप्शन को जो कि कंसेशनल रेट है उनको आप एक्साइज नहीं कर पाएंगे। सेकंड प्रोविजो यहाँ पे क्या बात करता है, सेकंड प्रोविजो आपका बात करता है सबसेक्शन 5 है इस सेक्शन का, उसके अंदर जो क्लॉज 1 है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस ऑप्शन को अवेल कर रहे हैं तो आपको ये कंडीशन जो नोटिफाई की गई है सबसेक्शन 2 के अंदर, वो कंडीशन ना सेटिस्फाई करने पे आप आगे आने वाले किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर पाएंगे। ये ऑप्शन आपके आगे आने वाले सालों के लिए भी इनवैलिड हो जाएगा। अब बात करते हैं कंडीशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम सबसेक्शन 2 की कंडीशंस की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया है क्लॉज 1 के अंदर कि आप किसी भी तरह की एग्जम्पशन और डिडक्शन को नहीं ले पाएंगे, यहाँ तक कि आप चैप्टर 6A की डिडक्शंस भी नहीं ले पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ ATCCD और ATJJA की डिडक्शन, ये 2 डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी आप किसी भी तरह की एग्जम्पशन जो यहाँ पे नोटिफाइड है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की वो आप नहीं ले सकते। फिर आपका यहाँ पे क्लॉज 2 लिखा गया जिसके अंदर बताया गया कि अगर आपके पास कोई लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड लॉस है और आप उसे सेट ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर लिखा गया है विदाउट सेट ऑफ ऑफ एनी लॉसेस। तो आपका चाहे कैरी फॉरवर्ड लॉस है, डेप्रिसिएशन है अर्लियर असेसमेंट ईयर का और आप उसे करंट ईयर के अंदर लेना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं ले पाएंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपका कोई लॉस है तो वो भी आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप डेप्रिसिएशन को क्लेम करना चाहते हैं तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप करंट ईयर के अंदर ही क्लेम करेंगे, और क्लॉज 2A का एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो भी आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। और फिर आपके बात आता है विदाउट एनी एग्जम्पशन और डिडक्शन फॉर द अलाउंसेस और परक्विजिट वॉट एवर नेम इज कॉल्ड फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो आप किसी भी तरह की एग्जम्पशन को इस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जो टोटल इनकम आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस सेक्शन के अंदर उसको कैलकुलेट करने के लिए आप किसी भी डिडक्शन को नहीं लेंगे। जो आपका लॉस है डेप्रिसिएशन का और वो भी आपका, आपको कोई भी तरह की फर्दर डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी। साथ में यहाँ पे क्लॉज 4 के अंदर लिखा गया इन केस ए पर्सन हैविंग यूनिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एज रेफर्ड इन क्लॉज सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन ATLA हैज़ एक्साइज द ऑप्शन ऑफ सबसेक्शन 5 कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 शैल बी नोटिफाइड एक्सटेंडेड द डिडक्शन अंडर सेक्शन ATLA शैल बी अवेलेबल टू सच यूनिट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन कंटेन्ड। तो इसके अंदर लिखा गया है कि अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को
के अंदर जो ATLA की डिडक्शंस को अगर आप लेते हैं, उस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है ये डिडक्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसेक्शन 5 की, जिसके अंदर लिखा गया नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाई ए पर्सन। इसका पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, वो बोलता है हैविंग बिजनेस इनकम, यानी कि ऐसे पर्सन जिनका बिजनेस इनकम है और वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ क्लॉज 139 के अंदर अपना रिटर्न फाइल करते हैं फॉर द रिटर्न ऑफ इनकम इन एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कमिंग जो कि होगा आपका 1st day of April 2020-21 से असेसमेंट ईयर, तो ये ऑप्शन अगर वंस उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया तो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये एप्लीकेबल होगा। और जिनके लिए कोई बिजनेस इनकम नहीं है और रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, यानी कि अगर आपकी बिजनेस इनकम भी नहीं है तब भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर लिखा गया प्रोवाइडेड दैट अंडर क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 एक्सरसाइज इन एनी फाइनेंशियल ईयर कैन बी विड्रॉन ओनली फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अदर देन द ईयर इन विच द इट वॉज एक्साइज, यानी कि आप अगर एक बार इस ऑप्शन को अवेल कर लेते हैं तो उसके नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के अंदर ही इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं, इसको विड्रॉ कर सकते हैं। और जो अगर एक बार एलिजिबल पर्सन एक्साइज कर लेता है नॉट ऑप्ट को उसको छोड़ देता है तो वो फिर से यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा इस ऑप्शन को लेने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया है जो नया इनकम टैक्स का स्लैब ऑप्शनल बेसिस पे अवेलेबल है टैक्स पेयर्स को, जिसके अंदर इंडिविजुअल और HF कवर है। अगर आपको विद एग्जांपल इस कंसेशनल रेट को समझना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी बेस्ड ऑन कमेंट्स मैं आप सभी के लिए ये वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। आशा है आपको मेरे वीडियो से क्लैरिटी मिली है नए टैक्स स्लैब के बारे में, उसकी कंडीशंस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे औरों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले मैं ऐसे ही वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहूं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।